इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर कल्पना चौहान, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ डॉक्टर कल्पना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियाँ और कहाँ से क्या लिया गया है, इन सबको देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जो कि निम्नलिखित हैं, इस टेबल में दिए हुए हैं। इसमें तीन कॉलम हैं, एक में है संविधान के भाग, दूसरे में है विषय और तीसरे में है अनुच्छेद। भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं, और जो एक से लेकर चार तक अनुच्छेद में दिए हुए हैं। भाग दो नागरिकता से संबंधित है, जो कि आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। भाग तीन मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि आपके भाग 12 से लेकर 35 तक हैं। भाग चार राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि 36 से 51 तक हैं। भाग फोर ए को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें एक भाग जोड़ा गया जिसे भाग फोर ए कहते हैं, और एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 51A, और 51A में आपकी 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भाग पाँच संघ राज्य सरकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भाग छः राज्य सरकार से संबंधित है, जो कि 152 से 237 तक है। भाग सात जो कि अब समाप्त हो गया है, संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 समाप्त हो गया है। भाग 8 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, जिसके लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया है, जो कि पंचायतों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक दिए गए हैं। भाग 9A 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, और नगर पालिका जिसका शीर्षक है, और इसमें आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक जोड़े गए हैं। भाग 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया है, और इसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243ZS से 243H तक जोड़े गए हैं। भाग 10 अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग, यानी कि SC और ST आयोग से संबंधित है, जिसके लिए आर्टिकल 244(1) और 244(2) दिया गया है। भाग 11 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है, और जिसमें अध्याय 1 विधायी संबंध से संबंधित है, जिसके लिए आर्टिकल 245 से 255 तक है। भाग 2 अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक दिए गए हैं। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद से संबंधित है, जिसके लिए आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक जोड़े गए हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है, जिसके लिए 301 से लेकर 307 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, जिसके लिए अनुच्छेद 308 से 323 तक दिए गए हैं संविधान में। भाग 14A भाग 14A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि अधिकरण से संबंधित है। इसमें दो प्रकार के अधिकरण की बात की गई है, 323A और 323B में दो प्रकार के अधिकरण की बात की गई है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जो कि 324 से लेकर 329 तक दिए गए हैं। भाग 16 कुछ विषयों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जो कि 330 से लेकर 342 तक हैं। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, 343 से 351 तक है। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है, जो कि 352 से लेकर 360 तक दिए गए हैं। भाग 19 प्रकरण से संबंधित है, जो कि 361 से लेकर 367 तक दिए गए हैं। भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है, जिसके लिए अनुच्छेद 368 है। भाग 21 अस्थायी संक्रमण सील विशेष उपबंध हैं, जो 369 से लेकर 392 तक दिए गए हैं। भाग 22 संक्षिप्त नाम आरंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से जुड़े हुए हैं, जो कि 393 से लेकर 395 तक दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं।
सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग सात को समाप्त कर दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 14(a) को जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा भाग 9(a) को जोड़ा गया है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भाग 9(b) को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1996 के द्वारा भाग 4(a) को जोड़ा गया है, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अब इससे जुड़े हुए जो हमने अभी भाग पढ़े हैं उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अब है आपका ये अनुसूची दी गई है, अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची सेकंड। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे जुड़ा हुआ है? पंचायतों से। भाग 8 किससे जुड़ा हुआ है? आपका संघ राज्य क्षेत्र से। भाग ये है आपका 9(a) 9A किससे जुड़ा हुआ है? सॉरी 4A 4A है मौलिक कर्तव्य से, और 9A है आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग कौन से भाग में? भाग 3, यानी कि A का हो जाएगा 2। मौलिक कर्तव्य किस में है? 4A में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। संघ राज्य सरकार किस में है आपकी? यह है भाग आपका संघ राज्य सरकार, यह है भाग 5 में। आपातकालीन उपबंध किस में है? भाग 18 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। भारतीय संविधान का भाग जो 16 है, जो 330 से 342 तक है, किससे संबंधित है? 330 से 342 तक, 330 से 342 में एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है, और एल्गो इंडियन को लोकसभा और राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। 330 से 342 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि कहाँ से क्या लिया गया है। भारतीय संविधान को आधार का उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि अन्य देशों के संविधान की कुछ अच्छी विशेषताओं को हमने ग्रहण किया है। जिस देश में जो जो अच्छा था वो सब कुछ हमने ग्रहण कर लिया। जो आपका सबसे पहले है स्रोत, और दूसरे में दिए गए हैं कौन से देश से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले है ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने विधि का शासन लिया है, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल शासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और द्विसदनात्मक पद्धति को जो हमने लिया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यूएसए के संविधान से विधि का संरक्षण, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के न्यायाधीशों को पद से हटाना और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, इन सबको हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। कनाडा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली है। अपसी शक्तियों का केंद्र के पास होना कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, इसे भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी हमने कहाँ से लिया है? हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों को जो स्थगित कर दिया जाता है, ये हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक, समानता और बंधुता जैसे शब्दों को लिया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इन सबको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और भारतीय संविधान का जो भारत शासन अधिनियम 1935 को हम कहा जाता है कि भारतीय संविधान में 25 से 30% तक माना जाता है। अब है अनुसूचियां। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी और प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा आपकी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहली अनुसूची, इसका क्या विषय है? पहली अनुसूची
सूची का विषय है राज्यों के नाम और उनकी न्यायिक क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। अनुसूचित दो में वेतन भत्ते और पेंशन दी गई है। अनुसूचित तीन में शपथ दी गई है। किस किस की शपथ है? ये है नंबर एक केंद्र के मंत्री, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इन सबकी शपथ आपकी अनुसूचित तीन में दी गई है। अनुसूचित चार राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात अनुसूचित चार में दी गई है। अनुसूचित पाँच में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कहा गया है, जो कि आर्टिकल 244 का पार्ट फर्स्ट है। अनुसूचित छः में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की अनुसूचित की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, जो कि 244 का सेकंड पार्ट है। सातवें अनुसूची में इसमें तीन अनुसूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। और इसमें संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे, प्रेजेंट में 100 है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, प्रेजेंट में आपके 61 है। समृद्धि सूची में मूल संविधान में 47 थे, प्रेजेंट में 52 है। आठवीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार और भूमि उन्मूलन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित कानूनों और से संबंधित है, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को पंचायतों से संबंधित है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। अब हमारे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे है आपका क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक ये कहता है भारतीय संविधान में क्या है? 295 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी अनुसूची के राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है, यानी कि राज्य के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा किसमें है? पहली अनुसूची में दिया गया है। समृद्धि सूची का विषय, यानी कि जो पुलिस है राज्य सूची का है, और रेडियो प्रसारण, दूरसंचार, विदेशी मामले संघ सूची के, और आपराधिक मामले किससे हैं? आपके समृद्धि सूची के हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है, किसका विषय है आर्थिक नियोजन? ये समृद्धि सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर पांच केंद्र सूची में आपकी जो है जनगणना किसका विषय है? केंद्र सूची का विषय है। और आपका राज्य सूची का विषय कौन सा है? आपका पुलिस, और पुलिस किससे जुड़ा है? राज्य सूची से। समृद्धि सूची में जो आपका जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, ये है आपका समृद्धि सूची का। अपशिष्ट जो विषय में आपका आएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान किसमें आ जाता है? अपशिष्ट विषय में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर छः समृद्धि सूची किससे जुड़ी हुई है? सातवीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? ये है सातवीं अनुसूची है विधायी शक्तियों का वितरण, यानी कि सातवीं अनुसूची में तीन सूची दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। यानी कि विधायी शक्तियाँ क्या दिया है? विधायी शक्तियों का विभाजन सातवीं अनुसूची में दिया गया है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नौवीं अनुसूची आपके जो है कुछ अधिनियमों का क्या करता है? कुछ अधिनियमों का विनियमन करता है। और दसवीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमने क्या देखा है, यानी कि संविधान के भाग, अनुसूचियां और कहां से क्या लिया गया है, ये सब देखे हैं। ये सभी एग्जाम में आते हैं और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने एक तरीके से सुपर फास्ट तरीके से ये आपका रिवीजन कराने के लिए ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल ली हूँ, कृपया आपको सभी को फायदा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच। सभी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।